जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ ब्लड कैंप लगा हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, जिसको भी यहाँ पे अपना वो है और जो सुविधा है वो भी हम दिखाएंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ पे फिर कोरोना टेस्ट, हर तरह की सुविधा यहाँ पे है, सैनिटाइज है, सारी सुविधा यहाँ पे, डॉक्टर बैठाए गए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह। उसके बाद यहाँ पे आइस काउंटर पे आते हैं तो यहाँ पे किट दी जाती है, जिसमें कि ब्लड लिया जाता है। ये हम दिखा सकते हैं, ये किट यहाँ पे रखी हुई है। इस किट के बाद फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं अपनी सेवा भाव से यहाँ पे आए हैं। ये कैंप लगाया गया तो हम बात करेंगे आगे कि ऐसे कैंप ये कहाँ कहाँ लगाते और कितने दिन में लगाते रहे। क्या नाम आपका? दीपक। दीपक जी, जैसे मैं देख रहा हूँ आपने ब्लड डोन किया। हाँ जी। तो क्या किसी ने बुलाया था या अपनी मर्जी से? नहीं, मैं अपनी मर्जी से आया। तो ये पहली बार भी है या इससे पहले भी आपने? नहीं, इससे पहले भी। क्या नाम आपका? सहज जी। जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जो कैंप लगा हुआ है रक्तदान के लिए, उसमें आप आए हो और रक्तदान दे रहे, क्या किसके द्वारा आपको मैसेज किया गया या फिर आपने देखा तो आप यहाँ पे आए? नहीं, मैं बेसिकली आई एम अ डोनर। मैं साल में दो बार ब्लड डोनेट करता हूँ। यानी कि रक्तदान साल में दो बार? हाँ जी, हाँ जी, दो साल मेरा तो होता है। कैसा महसूस होता है? मुझे अच्छा लगता है, पॉजिटिव फील होता है। ज्योति, जो आज यहाँ पे रक्तदान चल रहा है उसमें आप आए? हाँ जी। आपने रक्तदान दिया? जी। तो कैसे पता चला यहाँ? मुझे, मैं इस निरंकारी मिशन के एक सदस्य हूँ जिसके थ्रू मुझे पता चला, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है रक्तदान करना। ये एक मानवता की एक निशानी है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपना रक्त दान करके, मेरा जो रक्त है वो किसी को नहीं, ये मेरी फोर्थ टाइम है। दो बार मैं अपने स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम पे दे रखी हूँ। इससे पहले एक बार मैं निरंकारी मिशन का पार्ट बनी हूँ, निरंकारी मिशन ब्लड डोनेशन कैंप की, और ये सेकंड पार्ट है। और मैं बहुत ज़्यादा ही एनर्जेटिक हूँ, एनर्जी के साथ अपना ब्लड दिया है मैंने। मैडम, क्या नाम आपका? अंजू। अंजलि जी, जैसे मैं दे रहा आज आप यहाँ रक्तदान दे रहे हैं। हाँ जी। तो कैसा महसूस हो रहा है और क्या सुविधा यहाँ पर, यहाँ पे देखने को मिल रहा है? बहुत प्राउड फील हो रहा है और निरंकार का शुक्र है बहुत बहुत लाख लाख। और आज का कैंप मनाया जा रहा है रक्तदान कैंप, जैसे आपकी संस्था लगाती रहती है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अब तक कितने ऐसे कैंप आप लोगों ने लगा चुके हैं अपनी संस्था के? सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की असीम कृपा से आज यहाँ पर ये ब्लड डोनेशन कैंप का ऑर्गेनाइज हुआ है। लगभग अभी तक निरंकारी मिशन की तरफ से 6000 से ज़्यादा ऐसे कैंप लग चुके हैं, जिनमें 11.5 लाख से अधिक डोनर्स ने रक्तदान किया है, और लगातार ये श्रृंखला दिन प्रतिदिन आगे से आगे बढ़ती जा रही है। सतगुरु का विशेष आशीर्वाद है, सतगुरु की कृपा है, ब्रह्म ज्ञान की ज्योति जो हृदय में ज्ञान रूप में प्रज्वलित है, मानवता के प्रति हृदय में प्यार, सबका दुख अपना दुख मान करके सेवा करना, ये जो स्वार्थ रहित भावना है, ये सतगुरु की कृपा से आज निरंकारी मिशन के द्वारा की जा रही है। अच्छा सर, जो आपकी संस्था है, मैं दिल्ली की अगर बात करूँ, दिल्ली में कितनी संस्थाएं आपकी ऐसी हैं? दिल्ली में निरंकारी मिशन तो एक ही है और पूरे विश्व के अंदर है, लेकिन दिल्ली के अंदर भी लगभग हमारे 40 दिल्ली और NCR के सेक्टर्स हैं, जिसमें हर सेक्टर के अंदर एवरेज जो है वो 4 से 6 ब्रांचेज हैं। तो लगभग अगर पूरी दिल्ली की बात करें तो तकरीबन 225 के लगभग ब्रांचेज हैं, जहां पर नियमित सत्संग भी होते हैं, और इस तरह के आयोजन ब्लड डोनेशन कैंप के जहां बड़े बड़े शहरों में होते हैं, उसके साथ साथ रिमोट एरियाज़ में, विलेजेस में भी इस तरह के कैंप्स का आयोजन किया जाता है। हमारे साथ डॉक्टर नरेश अरोड़ा जी संत निरंकारी मंडल चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से आज भी उपस्थित हैं, और इन्हीं के देख रेख में ये सारे कैंप लगाए जाते हैं। अच्छा सर, जो यहाँ पे रक्तदान किया जाता है, इसका किसी हॉस्पिटल से आपने वो तैयार कर रखा, कहाँ पे इसको आगे आप दान करते हैं?
आज हमारे पास इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से डॉक्टर्स की टीम आई हुई है और यही टीम इस ब्लड को कलेक्ट करके अपने पास ले जाती है। आगे फिर जैसे जैसे जहां आवश्यकता होती है तो वो इस ब्लड को आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हमारा भाव केवल सतगुरु की कृपा से सेवा भाव का है। आगे उस सेवा का प्रयोग मानवता के हित के लिए होता है ये रेड क्रॉस सोसाइटी ही डिसाइड करती है और जहां आवश्यकता होती है वो उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ऑलमोस्ट सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमारा ब्लड जाता है, जैसे ऑल इंडिया है और इरविन हॉस्पिटल, LNJP है, GB पंत हॉस्पिटल है, सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हम ब्लड देते हैं। लेकिन इस समय क्योंकि बैंकों में हम ब्लड में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं दे पा रहे क्योंकि वहाँ कोरोना फैला हुआ है, तो हमने सिर्फ रेड क्रॉस को ज़्यादा पर अप्रोच किया है और आगे वो फिर आगे वही ब्लड बैंकों को इशू कर रहे हैं। अच्छा सर, जैसे कोरोना महामारी चली और उसमें भी मैं आज यहाँ पे देखा जितनी अच्छी व्यवस्था यहाँ पे की हुई है, एक दूरी बना के और हर टेबल पे अलग अलग डॉक्टर बैठाए हुए हैं कि पहले सारा चेकअप होता है उसके बाद रक्तदान दिया जाए। ये जो COVID-19 है इसकी गवर्नमेंट गाइडलाइन भी है और हमारे मिशन में जो सेवादार हैं वो भी बहुत जागरूक हैं, इनको सारा समझ है और सेफ्टी ये हमारी अपनी भी है और जो डोनर्स आ रहे हैं उनकी सेफ्टी भी है, तो उसी को सारा फॉलोअप करके हम सारा काम कर रहे हैं। तो ये कितने दिन में ऐसे कैंप लगते रहते हैं? ये लगभग हर संडे ही कैंप ऑर्गेनाइज हो रहा है। जैसे रामसन जी ने बताया है कि हमारी 200 करीब ब्रांचेस हैं, तो ऑलमोस्ट सभी ब्रांचों में कैंप हर संडे लग रहा है। जैसे पिछले बार वहाँ पर रोशन रोड पे लगा था, मदरगी पे लगा है, अगली बार टैगोर गार्डन में लगेगा, तो ऐसे हम हर हफ्ते कोई ना कोई कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.